इस वीडियो में मैंने आलू के लड्डू की रेसिपी शेयर की है। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितना आलू लिया है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। कप से ये लगभग पौन कप जितना होगा। लड्डू बनाने से पहले आलू को लगभग 3 घंटे तक हमें भिगो के रखना है। इसे भिगोने के लिए जनरली नारियल का ही पानी लिया जाता है। जो नारियल हम इसमें कद्दूकस करके डालते हैं उसी का पानी इसमें डालकर भिगोने के लिए रखते हैं। अगर आपके पास नारियल का पानी नहीं है तो आप पीने का पानी भी डाल सकते हो। पानी हमें 1 से 1.25 कप जितना डालना है। पानी डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर ले, नहीं तो ये ऐसे ही ड्राई रह जाता है कहीं कहीं पर। अब लगभग 3 घंटे हो गए हैं और ये फूल कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब इसके लड्डू हम बना सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है और उसमें 2 टेबलस्पून जितना घी मैंने डाला है। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हो, ये कढ़ाई भी नहीं चिपकता। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़। 1.25 कप जितना आलू हमने लिया था उसके लिए मैंने 1.5 से 2 कप जितना गुड़ लिया है। मीठापन आप अपने हिसाब से रख सकते हो और इसमें कंपलसरी गुड़ ही जाएगा, आप शक्कर नहीं यूज़ कर सकते। गुड़ को हमें इस तरह से मेल्ट होने तक पकाना है। गुड़ का टेक्सचर हमें कुछ इस तरह का चाहिए होगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, खासकर ठंड में ये लड्डू बनते हैं। आलू को जब हम खाते हैं तो उसके साथ में नारियल, गुड़, दूध जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आलू को कभी भी हल्दी, लहसुन, नमक के साथ नहीं खाया जाता। इससे हड्डियों की मजबूती आने में, जब हमारे कमर में दर्द होता है उस टाइम पे खासकर औरतों के लिए ये लड्डू काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब आलू को गुड़ में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल को आप कद्दूकस करके भी ले सकते हो या फिर इस तरह से मैंने बारीक करके लिया है। वैसे भी आप मिक्सर से निकाल सकते हो या फिर इसके लिए खास एक टूल आता है उससे भी आप कर सकते हो। हमारे ग्रेटर में एक इस तरह का टूल आता है, इसकी मदद से आप नारियल को बारीक कर सकते हो। मराठी में उसको खोलेला नारळ बोलते हैं, इससे वो बनाया जा सकता है। अब नारियल को इस तरह से हमें सारी चीज़ों में मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जायफल और इलायची का पाउडर पीस के डाला है, इससे इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक पहले पका लेना है अच्छे से। इसमें काफ़ी पानी होता है तो गैस को मीडियम से हाई आंच पर रखें। फिर 5 मिनट बाद आप इसको फिर से चला लें ताकि ये नीचे से ना चिपक जाए। फिर से आपको इसको 5 मिनट तक पकाना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक इसका पूरा पानी नहीं सूख जाता। मैं ये बताना भूल गई कि आपको नारियल 3 से 4 गुना जितना लेना है, यानी कि 1 कप जितना आलू है तो 3 से 4 गुना आपको नारियल लेना है। इसमें से काफ़ी सारा पानी सूख गया है, फिर भी हमें इसे चलाते रहना है गैस पर। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक इसका पूरा रंग चेंज हो जाए और इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आपको लगभग 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। आप देख सकते हो अब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है और इसके साइड से घी भी निकल रहा है। अब इसके लड्डू बन सकते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तभी इसके लड्डू बनाने हैं। अब आपको हाथों पर थोड़ा सा तेल या घी लगाना है। वैसे इसके लड्डू चिपकते नहीं हैं हाथों पर। अब आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतना पोर्शन आप ले लीजिए और हाथ की मदद से आप इसको लड्डू में शेप दे दीजिए। इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आसानी से बन जाते हैं। अभी लड्डू बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।